टू माई ऑल लवली व्यूअर्स। वाल भाई कैसे हो आप सब, डेफिनेटली चंगे भले हो गए। तो भाई लगा हुआ है हमारे कोलकाता के पार्क सर्कस में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा मेला, तो मैंने सोचा कि यार घर बैठे बैठे आज आप लोगों को वही एक्सप्लोर करके दिखा दूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ और एक्सप्लोर करते हैं पार्क सर्कस के मेले को। पार्क सर्कस जाने के लिए निकली थी और रास्ते में मुझे क्रिस्ट द किंग चर्च मिल गया है और यहाँ पे अहमद को देखें, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली यहाँ पे पूरा डेकोरेट किया हुआ है और अंदर में सेलिब्रेशन ऑन है। ये देखें चर्च ऑफ क्रिस्ट द किंग। चलते हैं तब। फाइनली आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आ गए हैं पार्क सर्कस के मैदान में। पीछे लगा हुआ है मेला और ये काफी ज्यादा दिन से लगा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेक डांस लगा हुआ है, लोग काफी कम झूल रहे हैं क्योंकि भाई आज तो पता नहीं क्यों लोग नहीं आए हुए हैं। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे मेले में और वहाँ पे देखें एबा का स्टॉल, ये देखें, ये देखें, ये देखिए यहाँ पे 150 रुपीस का पूरा सेल लगा हुआ है नाइटी वगैरह का, ठीक है। और ये देखिए 20 रुपीस का यहाँ पे सारा सेल, 20 रुपीस, 12 रुपीस, 15 रुपीस का ये सेल है, ये देखिए, जिसमें आपको ये सारे चीजें मिल जाएंगे। এসে দেখুন, দেখে পছন্দ হলে তারপর নয় সংগ্রহ করুন। হরেক মাল 12 টাকা ও 15 টাকা, 12 টাকা ও 15 টাকা। ভাই রুমাল ज्यादा मिल रहा है और यहां से ये सब भी चीजें हैं, देख लें। কোথায় যাচ্ছে? আসুন আমাদের দোকানে দাদি নাতির জন্য দারুন দারুন খেলনার সামগ্রী। और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहां पे। 12 টাকা ও 15 টাকা। গোল্ডেন সেট হেলিকপ্টার प्लेन। अगर आप लोग ये वाला मेला आना चाहते हो जो पार्क सर्कस के मैदान में लगा हुआ है तो जल्दी आ जाइए क्योंकि ये मेला का लास्ट डेट है 2 जनवरी 2023। मतलब यार ज्यादा दिन नहीं, हफ्ते भर अभी हाथ में है, मगर मैंने हफ्ते भर पहले आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया है कि मेला जो है ना पार्क सर्कस के मैदान में वो अभी भी लगा हुआ है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि दी मेला लगा हुआ है। जी हाँ, मेला लगा हुआ है यहाँ पे। भाई फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बलून फोड़ो और गिफ्ट जीतो वाला बात है। गिफ्ट मिलेगा? गिफ्ट नहीं। तो वो सब क्या है यहाँ पे दिखाएं? वो उधर अलग चीज़ है, दूसरा स्टॉल है क्या?
ইন্টারেস্ট হবে। আচ্ছা মতলব বল লেকে পুরো মারকে গিরানা হবা, উসকে বাদ মে জিতনে সে গেমে সে কোই গিফট মিলেগা না, ওহাঁ পে দিখা দে। के जितने भी लोग हैं ना जिनको मालूम है कि पार्क सर्कस के मैदान में मेला लगा हुआ है वो सारे आए हुए हैं। हालांकि ये मेला काफी ज्यादा दिन से लगा हुआ है जिसके वजह से भीड़ थोड़ा उन दिनों के मुताबिक आज कम है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं। बंद हो गया था पार्क सर्कस में, तो ये क्या मिल रहा है? पहन के देखने जो अच्छा लग रहा है। ये सब तो बहुत मिल रहा है, वहाँ भी कल पार्क वहाँ भी मिल रहा था पार्क स्ट्रीट वाले। घूमने आए हुए थे और ये वाला जो शॉप देख रहे हैं ना आप लोग जब भी पार्क सर्कस के मैदान में आओगे तो ये वाला परमानेंट है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेले में लगा रहता है, ये हमेशा लगा रहता है और यहाँ से हम लोग परचेज कर रहे हैं अपने लिए। भाई फ्रेंड्स, ये वाला स्टॉल तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया और कैमरा एकदम सीधे की तरफ करूँ ना तो ये देखिए पार्क सर्कस के मैदान का मस्जिद है ये। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, आइए। भाई मेला तो लगता ही है बच्चों और औरतों के लिए, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूलों का ऑप्शन है। ये देखें यहाँ पे, आइए दूसरी तरफ चलते हैं। कम ये देखें, इसके अलावा दूसरा झूला है, मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। ये देखें भाई, इसमें तो जब भी आओ आप लोग देखोगे कि बच्चे इसमें कूद ही रहे हैं। और इसके बाजू में ये देखें यहाँ पे छोटा भीम वाला झूला, इसमें एक ही बच्चा है, दो आदमी है पूरे झूले में, हम बैठ गए जाके। वेरी नाइस, इसको पूरा ऐसे करके दिखाओ ना, वो जा रहा है उतना ऊपर तक। भेल पूड़ी का स्टॉल, यहाँ पे आप मूड़ी वगैरह लेकर बैठकर खा सकते हो। यहाँ पे फुचका और वहाँ पे देखिए चटपटी का स्टॉल लगा हुआ है। खाने पीने के इतने सारे ऑप्शंस में, अहमद को देखिए उबला हुआ पानी फल होता है ना, उन्होंने बोल लिया, कह रहे हैं कि बी हेल्दी, हेल्दी चीज़ें खाओ और हेल्दी रहो। देखिए मैं खा कर बात करती हूँ।
थोड़ा मेला घूमने में अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि भीड़ थोड़ा कम है और आप लोगों को मालूम है कि मुझे ज़्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं, अच्छा दिन में आई हूँ मैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ जाओ भाई, मेला आओ और ये वाला सेक्शन ना देखो तो इम्पॉसिबल है। ये अचार का पूरा सेक्शन है, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का अचार, चूरन, पापड़ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग देख लें। कुछ लेना है हमारे यहाँ से फिर? तुम तो जब आते हो लेकर ही जाते हो यहाँ से कुछ ना कुछ, अभी भी ले लो, घर में आड़त लगा लो, हम लोग फिर दुकान करेंगे। भाई अगर आप लोगों को की रिंग वगैरह लेना है, नाम अगर स्पेशली लिखवा कर किसी का, तो यहाँ से ये भी ले सकते हो आप। वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, मतलब आप लोग देख लें। कितना भाई? अच्छा 120 रुपीस करके पर पीस। बुक के भी स्टॉल लगे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे होम डेकोर का भी सारा सामान है, और ये जो सारे आप लोग सामान देख रहे हो ना, ये दीघा में भी मिलता है, 350-450 करके होता है वहाँ पे प्राइस। और यहाँ पे देखिए भाई, ये वाला तो सेक्शन होना है एकदम मस्ट है, जहाँ पर आपको फ्रिज, प्याला वगैरह मिलेगा, ट्रे मिलेगा, प्लेट्स वगैरह भी सब ले सकते हो आप, मतलब किचन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कोला गोला कुछ भी खाना चाहते हो तो ये देखिए, ये तो हमेशा परमानेंटली रहता है पार्क सर्कस के मैदान में। और वहाँ पर देखिए स्मोक पान, फायर पान, ये देखिए स्टॉल इसका। फ्रेंड्स अगर आप सॉफ्ट टॉय वगैरह लेना चाहते हो तो ये देखिए, कितना सारा सॉफ्ट टॉयज़ का यहाँ पे ऑप्शन है। ये देखें, प्लास्टिक का भी है और सॉफ्ट टॉयज़ भी है, और ये देखें एक रियल सॉफ्ट टॉय। अहमद खाली खाली आकर अच्छा लग रहा है। सर्कस के मैदान के अंदर तो जाइएगा वो तो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखा दूं कि यहाँ पे आप जैसे ही अंदर जाओगे ना, वैसे ही आपको बाहर ही में ऐसा स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पे आपको जूते मिलेंगे, और वहाँ पे ऐसा राजस्थानी आइसक्रीम, भाई वो आइसक्रीम जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब पार्क सर्कस के मैदान के गेट में ही लगा रहता है। फ्रेंड्स तो मैंने आप लोगों को पार्क सर्कस के मैदान के मेले को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाया है जहाँ तक मुझसे बन पड़ा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो भाई जब मैंने एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाई दिया है तो अब फिर यहाँ रहकर क्या करना, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब मिलती हूँ अपने एक और नए और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।